सीन ये है कि दोनों जगह पे मेरी बीवियाँ दोनों प्रेग्नेंट है, और ये बात रंजीत मतलब मेरे ससुर को पता चल गई थी, तो ही वॉज यू नो कि अभी आनंद बकुल को मैं उसकी वाट लगाऊंगा एंड ऑल दैट. सो हाउ आई यू नो ट्राई एंड मैनेज टू स्नीक आउट एंड शीना को भी उल्लू बनाता हूँ और सबको उल्लू बनाता हूँ, और बकुल फिर से भाग जाता है. शीना के लिए काफ़ी शॉकिंग था कि बकुल की दो दो शादियाँ हो गई. यस ऑफ कोर्स, मतलब मैं तो मर्डर करना करने वाली थी, और बाबा फ़ोन करी थी कि कभी कैसे तो यू नो जैसे चुचू होते ना वो बिल में आए एक बार यू नो, बट वो आते आते वो इस टाइम पे आए कि उस समय तक इसने अपना जाल बिछा दिया था ऑलरेडी. तो ये चूहा बहुत स्मार्ट है तो फंसा नहीं है. दो शादियाँ जिसकी हो उसको तो ये इतना स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा. नहीं मैंने जिगना को, हाँ मतलब क्योंकि किसी तरह से तो निकलना था इस सिचुएशन से, तो मैंने उसको भी पट्टी पढ़ाई कि तुम अगर इससे बात करो तो वहाँ देखना, इससे बात करो तो वहाँ देखना. तो इस तरह से मैटर जो है वो संभल गया है, और अब देखते हैं कि आगे कौन सी नई मुसीबत आने वाली है, बिकॉज इट्स नॉट द एंड. थैंक यू.